दश बार जात तेर भोगता बड़ी की बड़ी नाना धूपे नाना पिठा पड़ा बासे अमृत ठू सात बड़ी से तो कालियार भोग थाली से तो कालियार भोग थाली भोग थाली। जय जगन्नाथ, नमस्कार। कालियार भोग थाली नूतन अध्याय को आपण मानक स्वागत एवं आसतु आलोचना को आरंभ करने पूर्व स्वागत करवा आम आलोचक बंधु मानक आमान गहण से प्रति अध्याय पर अध्याय उपस्थित अच्छा जगन्नाथ संस्कृतिर वरिण्य गवेशक डॉक्टर भास्कर मिश्र महोदय। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अच्छा आमान गहण से महाप्रभु जगन्नाथं कोठभोग सुपकार हरेकृष्ण प्रतिहारी महोदय। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। एवं अन्यतम कोठभोग सुपकार लक्ष्मीनारायण प्रतिहारी महोदय। जय जगन्नाथ। आलोचनार पर्याय क्रमे कोठभोगु आम पहुँची पर्वजात भोग पर्यंत जितेबले विशेष तिथि विशेष उत्सव विशेष पर्व पालन कराए महाप्रभु निकटें से विशेष दिन मानक भोगर प्रक्रिया विशेष भाव में महाप्रभु को समर्पण कराए जितेबले समस्त मास मध्य जदिओ शास्त्र स्वीकार करती मासाणांग मार्गशीर बोली किंतु कार्तिक मास प्रति आम मानक एक भिन्न भावना रही एक विशेष भावना रही धर्म मास भाव आम निजक सात्विक कर एक मास पर्यंत रही महाप्रभु पदारविंदर निजक समर्पण करूँ तेणु कार्तिक मासर महनीयता एवं तार सुप्रभाव निश्चित भाव ये समाज को आच्छादित कर एक आम स्वीकार करने बाध्य तेज जितेबाड़ श्रीमंदिर श्रीक्षेत्र हविष्याली मानकर भिड़ जमे कार्तिक मास रे भिन्न भिन्न नीति संपादन कराए महाप्रभु सेमी किसी भिन्न भोगर मध्य परिवेषण कराए जहाँ को शास्त्र कहते बाळभोग बाळधूप अर्थात धूप शब्दर अर्थ महाप्रभु भोजन समय को जमी धूप कह जाए से बाळधूप रे जहाँ नैवेद्य समर्पण कराए बाळभोग नाम आम स्वीकार करे आम मानक घरे माणवसा ठार आरंभ कर सांब दशमी पर्यंत जो जो पर्वपर्वाणी आम घरे पालन करूँ आम कि बाळभोग समर्पण करूँ बोली ए शब्द आम ओडिया संस्कृति सहित ओडिया जनजीवन सहित खूब निविड़ भाव में जड़ित होती तेज ए बाळधूप बाळभोगर विधि व्यवस्था केबे ठारु श्रीमंदिर महाप्रभु यार कौन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कौन पौराणिक कथा कौन जनश्रुति रही जहाँ ठारु ए बाळभोग आनीत हो आज लोकमुखर खूब लोकप्रियतार शीर्ष तेरे आलोचना आरंभ करवा डॉक्टर मिश्र महोदय निकटर जे बाळभोग कहले आम केत पुत्र शिशुपुत्र मानक बाळबोली कहू केत केश को बाळबोली कहू आंचलिक भाषा एवं जो बाळभोगर कथा बाळधूपर कथा आलोचनार पर्यायभुक्त करे ये कह सहित संपर्कित श्रीमंदिर गोटे हूँ वैचित्र्यमय वैचित्र्यमय श्रीमंदिर तांकर जानी यात्रा बेश भोग सबू भी अतुलनीय तेणु विभिन्न समय रे महाप्रभु प्रीत्यार्थे गोटे गोटे सृष्टि भोग अनन्य भोग सृष्टि ता भितर ये बाळभोग बाळधूप अन्यतम यार जहाँ रही जनश्रुति किंवदंती रही ये चतुर्दश शताब्दी कथा गंगवंशर राजा भानुदेव तृतीय समय रे सेतबले गजपति महाराजांकर नहर कटक बारवाटी ठारे थिला सेमाने जेतबले आसुथले श्रीक्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र को पुरी को जेतबले आसुथले खबर आसुथला आगुरु पाइक माने तांकर राजकर्मचारी माने खबर दउथले जे आज गजपति महाराजा विजय करिवे श्रीमंदिर को महाप्रभु को दर्शन करिवा पई आसिबे तेणु हठात खबर आसिला गजपति महाराजा महाप्रभु को दर्शन करने आस परंपरा ये महाप्रभु को दर्शन कला बेले गजपति महाराजा दर्शन कर सारे गोटे प्रसादी पुष्पअलंकार गुणा हौ झुंपा हौ माला हौ गोटे दि जाए भेटी स्वरूप गजपति महाराज को तेणु हठात जितेबले शुणिले पुष्पाक श्रेणीय तलुछ वंशीय जड़े सेवक से दिन पाई थाए सिंहासन से जोबले शुणिले ये गजपति महाराज आस कौन करते ना हताट तो गजपति महाराज आसिले तेणु सी ता पूर्व जो मैलम होता जो पुष्पाकर सी नहींक्री जन को दे
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଲେ। ସିଂହାସନରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲେ ତ ଶୁଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକିରି ସେଇ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାରଟିକୁ ଆଣିକିରି ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଂହାସନ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗୁଣା ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାରଟିକୁ ସେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଗଜପତି ଆନନ୍ଦରେ ସେକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ତ ସାମୟିକ ରାଣୀହଂସପୁର ବା ନହର ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଥାଏ। ସେ ନହର ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ସେଠି ନହର ଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମଧୁପୁର କୋଠି ଥିଲା ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ସାହିରେ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ମହାରାଣୀକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାରାଣୀ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କେଶ ରହିଛି, କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଗିମାଳ ସେ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ କେଶ କୋଉଠୁ ଆସିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକରି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମନ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, କହିଲେ କ'ଣ ଗଜ ଆଉ ସେବା ପୂଜାରେ ଶୁଦ୍ଧତା ରହୁନି କି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାଳ ତା ଭିତରୁ କେଶ ବା ବାଳ ବାହାରୁଛି। ସିଏ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତରେ ସିଏ ପାଳିଆ ସିଙ୍ଗାରୀ ସେବକଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, ସେ ତଳୁଛ ସେବକଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, କହିଲେ ଇଏ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲାଗି ପ୍ରସାଦୀ ମାଳ ମୋତେ ଦେଲ, ତା ଭିତରେ ଏଇ କେଶ କେମିତି ବାହାରିଛି? କ'ଣ କହିବେ? ହଠାତ୍ କହିପକାଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାଗତି ହୋଇକରି, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ କେଶ ଉଠିଛି। ଏ କଥା କହିଦେଲେ ଗଜପତି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ମୁଁ ଯିବି, ଯାଇ ମୁଁ ଦେଖିବି ନିଜେ। ସତରେ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଥାରେ କେଶ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା? ସେବାୟତ କ'ଣ ରାଜକ୍ରୋଧରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିଲେ? ଏହା କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା? କ'ଣ କହିବେ ଭାସ୍କର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା? ସେ ସିନା ସେବକ ପାଳିଆ ସେବକ କହିଦେଇ ଆସିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଦେଲେ ଯେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କାଲି ମିଳିବ, ମୁଁ ତ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ କେଶ। ଆସି ସିଂହାସନରେ ଢୋକରି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଦେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତି ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ମାନ ରକ୍ଷା କର, ଏ ସେବକର କୁ ଶରଣ ଦିଅ। ତା ପରଦିନ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଲେ ଓ ସିଙ୍ଗାରୀ ସେବକ ଦେଖେଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଉଁଠି ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ କେଶ ଅଛି, ସେ ସେଇଠୁ କେଶ ଉପରେ ଯେଉଁ ଥିଲା କିଛି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଣିକିରି ଦେଲେ, କହିଲେ ହେଇଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ କେଶ ଅଛି। ଗଜପତି ମହାରାଜା ତଥାପି କହିଲେ ନିଜେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମସ୍ତକରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେଶ ଉଠିଛି। ଗଜପତି ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ସେଇଠି। ଏବଂ ସେଇ ସେବକ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ଖଞ୍ଜା ଯାଉ, ତା ଯାହା ନାଁ ହେବ ବାଳ ଧୂପ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଇଏ ବାଳ ଧୂପ ଭୋଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଖଞ୍ଜାଗଲା ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜନଶ୍ରୁତି ଆକାରରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଇ ଭୋଗଟା ବି ସବୁ ନିଜେ ରଜାଙ୍କ ନହରରୁ ଆସେ ଏଇ ବାଳଧୂପ, ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁରୀର ଯେଉଁ ମଠବାଡ଼ି ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଇଏ ସବୁ ମଠମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ରାମାନୁଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏବଂ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଅତି ବଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ତା ଦେହରେ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଧ୍ୟ ମଠ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ବାଳ ଧୂପ ଖଞ୍ଜା କଲେ ଭୋଗ ହେଲା। ଏବଂ ସେ ଭୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ତା ଦେହରେ ପାପୁଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଶି ଭଜା, ପେଶୁ ଭଜା, ଅରୁଆ ଭଜା, ଗହମ ଭଜା, ସୋଲା ଭଜା, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ, କାକୁଡ଼ି, ପିଜୁଳି, ସେଓ, ଇଏ ସହିତ ତା ଦେହରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ କୋରା, ଗୁଡ଼ ଖଇ, ପାଗ ଖଇ, ନଡ଼ିଆ ଖୁଦି, ଇଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଗ ବାଳଧୂପ ଇଏ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଚାଲେ, ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ହରେକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିହାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପଚାରି ବସିବୁ, ଏ ଭୋଗର ପସରା କେମିତି ମେଲାଯାଏ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ, କେଉଁ କେଉଁ ସେବକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଏ, ନଅରରୁ କେମିତି ଆସି କାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ, ଏ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତିଆ? ସେଇ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଭୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଇଛି, ବାଳ ଧୂପ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଆମର କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ।
किंतु तार पूर्व कथा गोटे रही प्रतिदिन महाप्रभुंकर मंगल आरती अवकाश और बेश और बेश पर गोपाल बल्लभ और सकाल धूप आउ भोग मंडप यही हूँ दैनदिन प्रक्रिया भितर यक प्रक्रिया ये प्रथम बेशटी होते से बेशर यही जोड़ी तीनो भोग संपन्न होता है कार्तिक मसरे जो मिश्र महोदय कहते ये मसे नई मसे पांच दिन प्रक्रिया आरंभ हुए बेशर आरंभ होता है यहाँ हूँ राधा दामोदर बेश प्रति मास मासे पांच दिन माने पैंतीस दिन रु आपणकर राधा दामोदर बेश प्रतिदिन होते अमावास्या परे दीपावली अमावास्या परे प्रथम सोमवार जोटा सोमवार पड़ो सी गोटे हरिहर बेश कराए भितर पंचक पांच दिन पांच कोटी सुना बेश कराई था लक्ष्मीनारायण बेश आड़िकिया राजराज लक्ष्मी लक्ष्मी नृसिंह तापर पूर्णिमा दिन राजराज यही जो बेश भितर येश भितर यही भोगटी अनुष्ठित होता है सकाल धूप पर गोटे स्वतंत्र रूप जिन मानने विरल जिनस प्रतिदिन ये प्रकार के दैनदिन नीति भितर ये जिनस न थाए कि कार्तिक मस सकाल धूप पूजा जो संपन्न हो जाए पूजा पंडा तीन जन तीन बाड़े बसी था सिंहासन भितर पोखरिया जहाँ धूप भोग तोला जाए से भोग सब बाहरी सारे पा पड़ी पुणी शुद्धता कराए शुद्धता पर पुणी प्रतिहारी सेवक लक्ष्मी गौरी बेत धरी रोषशाला संलग्न थोड़ा जोटा आपणकर गंधण सरोवर बोली अच्छी से गंधण सरोवर को भोग डाकी जाती जो भोग डाकी जा रो पटुआर अच्छी भोग डाकी जाती सी भोग डाकी गलापर से गंधण द्वार पाखे आहे सुहार महासुआर आहे महासुआर श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर बाड़धूप भोग छेक घेनिबा हुंतु बोली कहवापर महासुआर पाया महासुआर सहित अन्न्य महासुआर ने गोष्ठीगत भाव सेठी प्रस्तुत होस्तुत नई एक कोठभोग गोदाम आसी दोभजा लिया आउ गुड़ कोरा जो मस कौते गुड़ गुड़ कोरा गुड़ पागरे खई होब बल्लभ जदि चीनी पागरे खई होउची किंतु इटा गुड़ पागरे खई होब आउ दुग्धजात खुआ मंडा पापुड़ी आउ सर आउ दही आउ विभिन्न प्रकार फल आउ भजा जमी सोला भजा चाउल भजा गहम भजा ये सब जिनस जोटा कि आप संकुड़ी जतियों नुह किंतु लिया जतियों लियाटा हूँ ताद मुख्य जिनस जो गोटे दोभजा लियाटा ताद मुख्य जिनस गोटे भोग पटुआर में महास्वर मैंने गोष्ठीगत भाव समस्त सब सरा कुड़िया धरिकी नहींक महाप्रभु पाए नैवेद्य बाढ़ती बाढ़ला पुणी पंचपजार पूजा कराए पंचपजार पर टेरा पड़े टेरा पड़ी पुणी धूप आलती हुए आलती पर यार पूर्णांग हुए बाड़धूपर भोगर पूर्णांग आ भोग थाली कार्तिक मासरे स्वतंत्र भाव में महाप्रभु को निवेदित होता बाड़भोग संपर्क आलोचना एवं आपण जाणिले जे यार पछर जनश्रुति कौन आ भोगर पसरा केमिति परिव्याप्त किंतु ए परिव्याप्ति मध्यरे मठ मानकर संपृक्ति जे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे एक आम स्वीकार करने बाध्य तेणु वास्तव में केमिति मठ मानकर संपृक्ति है मठ मैने स्वतंत्र भाव में निजस्व तरफ या सहित संपृक्ति बढ़ेले ना तांक प्रति किसी निर्देश थिला ए बाबद आलोचना रखिए डॉक्टर मिश्र महोदय श्रीक्षेत्र जगन्नाथ मंदिर को केन्द्र करी बहु मठानुष्ठान मान बहु प्राचीन समय प्रतिष्ठित होती सी विभिन्न सेवा पूजा सहित महाप्रभुंकर जानी यात्रा भोग बेश सहित मठानुष्ठान मान ओतप्रोत भाव जड़ित रही भितर ये बाड़धूप केतक मठ जड़ित रही मुख्यतः बड़ओिया मठ जगन्नाथ बल्लभ मठ राघव दास मठ एमार मठ राधाकांत मठ गंगामाता मठ बड़संत मठ त्रिमाली मठ उत्तरपार्श्व मठ ये सबू आमर बाड़धूप नीति सहित बाड़भोग सहित संपृक्त होती किंतु मुख्यतः वर्तमान जहाँ आम अनुधान करे तीन चारोटी मठर तांकर जो परंपरा अनुसार आसूची से ओडिया मठर चबिश प्रकार सी बाड़धूप भोग सामग्री पठाती तीस ओली ताधेरे पापुड़ी रही पाचिला कदमी रही मठ गुड़िया मठरे स्वतंत्र भाव गुड़ पागरे हई
गुड़ खई पाग खई करती तापर सेठु तांकर अन्यान्य फल विभिन्न प्रकार फल आसे ये भजा राशि भजा आम जहाँ आलोचना करें गहम भजा चाउल भजा से सबू मठर पूजारी वैष्णव मैने नूतन कुड़िया सरा मानक सब आनी से महास्वर जिमा देवे महास्वर ताकु पंथी बाढ़ तेणु मठर कर्तव्य रहा से जगन्नाथ बल्लभ मठ मध्य भोग सामग्री पठाती राघव दास मठ मध्य परंपरा अनुसार यू भोगद्रव्य जो भोगद्रव्य सब आम आलोचना करुचे बाड़धूपर से सब आणकर देवे मठवाड़ी जो बाड़भोग भोगपाई आसी थाए बेहरण द्वार जोटा कि आप दक्षिण पार्श्व अच्छी दक्षिण सैड मंदिर बेहरण द्वार पाखे से ही बाड़धूपर समस्त पसरा मठ मान धरिकी ढाई देवे से मैंने सबू सुआर बड़ू को जिमा देवे समस्त भोगद्रव्य सुआर बड़ू को जिमा देवे सुआर बड़ू नहीं कि जेहेतु भोग उठीगलापर अं कहीं भितर को जापरि सुआर बड़ू से भोगद्रव्य को लेकिन माँ सुर को जिमा देवे माँ सुर तक नहीं पंथी मानक बाढ़ मठवाड़ी आसुवा द्रव्य गुड़िक जो भोग संबंधी द्रव्य गुड़िक से गुड़िक गंधन सरोवर को भोग पटुआर आसे ना भोग पटुआर माँ सुर कोठ भोग जो कोठ मान श्रीमंदिर प्रशासन तरफ जो गुड़िक आसते से गुड़िक आणिक भोग पटुआर आसे मठवाड़ी जिनसतक आणिक बेहरण द्वार पाखे देलापर सुआर बड़ू को जिमा देला सुआर बड़ू नहीं माँ सुर को जिमा देने माँ सुर मैंने प्रकार यही समय आउ गोटे नीति होड़धूप बेले बाड़धूप बेले कौन हो ना से बड़ छता मठ तरफ गोटे संकीर्तन हुए सेटा आमर मुक्ति मंडप तले गोटे हनुमान विग्रह बसई से ढोलकी झांझ गिनी बजई तांकर पारंपरिक गीत संगीत गान करेंगे ये बाड़धूप बेले आउ ये बाड़धूप दर्शन करने ये भोग आलती को दर्शन करने सेवक एवं भक्त मानक प्रबल आग्रह पर एक मास पांच दिन जाक बाड़धूप बेले स्वतंत्र भाव लोक अपेक्षा करते निष्ठार सह रही था बाड़धूप आलती देखा आड़धूप आलती खंडिया हेनी आम मसे पांच दिन आम बाड़धूप आलती देखल ये गोटे जो लोकंर मन भितर जो भक्तिपूत आग्रह से गोटे आज पर्यत भी से बजे रही बहुत आग्रह लोकंर लोक भी निष्ठार सह से जिनको पालन कर बाड़धूप प्रति जो स्वतंत्र उत्कंठा स्वतंत्र आग्रह रही एक मास पांच दिन धरी जो स्वतंत्र नीति श्रीमंदिर प्रशासन व अतीतर राजा मानकर नर ये सबू कथा पर जो दोभजा लिया जहाँ प्रति एक विशेष आकर्षण तार प्रस्तुति प्रणाली टी कह निश्चित भाव लक्ष्मीनारायण प्रतिहारी महोदय दोभजा लिया कहले गुड़िया धानरु फुटेकी लिहा बाहर कर ताकु नवग्रह मंदिर पार्श्वरे गोटे स्वतंत्र अमुणिया गृह अच्छी से गृह भितर से गुड़िया अन्यान्य किसी लोक जाएगी से कार्यक्रम करती लुण गोलमरीच सब पड़ी लिहा दुई थर भजा जाए धान बाहर करा जाए चालुणी काठ चालुणी छड़िया जाए तापरे ताकु पर्वयात्रा जोगणिया आनी गंधन अकाप सरोवर दे था राशि भजा पेशु भजा गहम भजा सब समस्त जिनस आणकि गंधन अकाप सरोवर दे था प्रत्येक कथा कहते गोटे स्वतंत्र घर जो महालक्ष्मी मंदिर अच्छी नवग्रह मंदिर से नवग्रह महालक्ष्मी मंदिर सैड्रे नवग्रह मंदिर पाखे गोटे स्वतंत्र घर अच्छी से घरे चूली अच्छी से गुड़िया मैंने से यही लिया दोभजा लिया जो भजा जातीय जिनस जहाँ हुए सब जिनस को सही जगार प्रस्तुत करसे पाँच दिन रोसर कौन रास्ता जाए गुड़िया जो भजा गुड़िक हम इतने लुण लुण आ गोलमरीच गुंड एका या देहरे दि जाए जेहेतु युवाकर मीठा जातीय नुह तेणुक मृत्युमूल जो कथ सब मृत्युमूल कथ ये लुण आ गोलमरीच दि जाए ये सब भजा गुड़िक ताले महाप्रभु बाड़भोग जो भिन्न भिन्न द्रव्य महाप्रभु को बणई करा जाए ता निश्चित भाव आमपाई महाप्रसाद न्यायर तो अनेक महत्व रखती किंतु अनेक सुस्वादु कारण महाप्रभु रसग्राही तेनाली अनेक सुस्वादु द्रव्य व्यंजन महाप्रभु को समर्पण कराए ये बाड़भोग हूँ तार एक निदर्शन एवं भक्तर मान को प्रतिष्ठा करने ये धूपर आयोजन कराइला महाप्रभुपाई भक्त वत्सल भगवान तेरे आज समय निर्देश आलोचना को ये अध्याय को आम ये रखा
आसंता अध्याय महाप्रभु आउ एक पर्वजात दिव्य भोगर परंपरा को नहीं आम पहुँचवा आपण मान पर्यंत आज विदाय दिंतु। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भोग तवली की बड़ी नाना दुपे नाना पिठा पड़ा बासे अमृत ठू सात बड़ी से तो कालियार भोग थाली से तो कालियार भोग थाली। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।